हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि आपको पता था कि मैं बाहर गया हुआ था, कुछ काम था इमरजेंसी में तो जाना पड़ा था। और वैसे भी त्यौहार आ रहा है तो अब चीज़ें एक दो दिन का शायद होल्ड हो सकता है, नहीं तो आपको शायद आपके वीडियोज़ मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शायद लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन आपकी जो रेगुलर क्लासेज हैं वो शायद रिकॉर्डेड वाली सारी मिल जाएंगी, और हो सकता है आपको मैथ का भी वीडियो मिल जाए। खैर, इन सबको साइड रखेंगे। बाकी हमारे जो भी आज का जो क्लास होने वाला है, आपको पता है ये जीएस की क्लास है, आपको थंबनेल पे भी दिख गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपको एक दिन का गैप हुआ है और उस गैप को देखते हैं कवर कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोशिश तो है पूरी तरीके से कवर कर दें। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है कि पूर्णिमा के बाद हर चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता है, वह दिन किस नाम से जाना जाता है? अर्धचंद्र दिवस, पूर्णिमा दिन, अमावस्या का दिन, चांद का दिन। जब हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता उस दिन अमावस्या, और जब चंद्रमा पूरा हो दिखाई देता है तो उसको पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, चलो। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंपता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। ये दोनों एक दूसरे को जो है वाइस वर्सा में करते रहते हैं कि भैया हम आपको जो है त्यागपत्र दिए दे रहे, आप हमको त्यागपत्र दे दीजिए। ठीक है, और बाकी ये जो संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 81 होता है, इसमें लोकसभा की संरचना की गई है, और इसमें जो लोकसभा है उसमें सदस्यों की संख्या 500 की गई थी। बाकी वर्तमान में अधिकतम जो संख्या है वो 552 हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य जो है वो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से, और जो 20 सदस्य होते हैं वो संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हैं। अनुच्छेद 93 क्या कहता है? अनुच्छेद 93 जो कहता है कि उसके अनुसार जो है लोकसभा और जो है स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लेगी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को जो है अपना त्यागपत्र दे देता है। खैर, 3, भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो आपको भी पता है जब हम लोग इस तरीके से जो यहाँ पर आके ये वाला जो हिस्सा ऐसे करके बनता है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ ये जो है बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है, कितनी लगती है? 40.96। कितनी लगती है? 40.96.7, और ये किलोमीटर में है। ठीक है, फिर म्यांमार के साथ कितनी लगती है? ये लगती है 1643.0 किलोमीटर। ठीक, फिर क्या था? भूटान के साथ लगती है सिर्फ 699.0 किलोमीटर। अब आता है चीन, सेकेंड नंबर के साथ, चीन के साथ लगती है कितनी? 3488.0 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका यहाँ से सारे के सारे आपको क्लियर कर दिए गए। खैर, 4, निम्नलिखित में से किसे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन, खैर ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ, ये जो आपके सामने ये यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, ये लगभग 2017 की बात है। किसकी बात है? 2017 की, उस समय अनुपम खेर थे। ठीक है, लेकिन अप्रैल अगर 2024 की बात करेंगे, कौन है? आर माधवन है। ठीक है, उन्हें 2023 में नियुक्त किया गया था शायद अभी, और फिर रिसेंटली भी अभी चेंज हुए हैं, वो मुझे नहीं याद है। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो है अभी इस समय पर 2017 में अनुपम खेर थे, अगर 2024 की बात करेंगे तो आर माधवन है। चलो, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से रिलेटेड हैं, या ये कौन सा नृत्य करती हैं? तो मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या कथक। तो ये कथक करती हैं, और कथक आपको पता है उसमें बिरजू महाराज भी आते हैं, लच्छू महाराज भी आते हैं, एक सितारा देवी हैं, ये बहुत फेमस लोग हैं। ठीक, मणिपुरी में चारू माथुर और सोनारिक सिंह, नल कुमार, सविता मेहता। कुचिपुड़ी तो यामिनी कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी नारायण शास्त्री, और ये मोहिनीअट्टम में कल्याणी अम्मा हैं, भारती शिवाजी हैं, रागिनी देवी हैं। तो इस तरीके से ये जो है आप याद कर सकते हैं। चलो भाई, आगे देखेंगे। मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? तो लिखा हुआ है पेरोक्सीसोम, गाल्जी गाय, अद्र प्रद्रव्य जालिका या लाइसोसोम। तो ये दोस्तों गाल्जी गाय में करता है, जिसको गाल्जी बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज जो की थी किसने की थी? कैमिलो गाल्जी, जो इटली के वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, जो महात्मा गांधी थे वो राष्ट्र जो दक्षिण अफ्रीका थे वहाँ से भारत कब लौटे थे। चलो तो नवंबर 1915, जनवरी 1915, अगस्त 1915 और फरवरी 1915। तो ये देखो ये क्वेश्चन तो वैसे सरल है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, अगर आपको यहाँ पे फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 9 जनवरी कब, 9 जनवरी, ठीक 9 जनवरी 1915 को भारत जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो जो जिस दिन गांधी जी लौट के आए थे कौन सी, 9 जनवरी को, इसी की खुशी के उपलक्ष्य में जो है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। चलो 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, जोनाथन डंकन, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कार्नवालिस और विलियम जोन्स। तो दोस्तों देखो 1784 में सर विलियम जोन्स थे जिन्होंने जो है किसकी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और खैर कई चीज़ें थी इसमें, देखो एक इन्होंने जो है ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो बंगाल है इसमें इन्होंने जो है पुस्तकें रखी हैं, दुर्लभ बहुत जो पुस्तकें हैं वो, पांडुलिपि, सिक्के, पुराने चित्र, इन्हीं का समूह है, ठीक है, इन्हीं का संग्रह किया गया है और ये एशिया का प्रथम आधुनिक संग्रहालय भी था। चलो द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की आधुनिकता अनुमानित लंबाई कितनी है, तो पूरी टोटल बतानी है तो फिर कितनी हो जाएगी, 15,200 के आसपास लगभग है, कितनी है 15,200 के आसपास, द्वीपों क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई, ठीक है। तो अगर भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करेंगे तो वो 15,200 है, अगर हम लोग भारत की जो तटीय क्षेत्र की सीमा की बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर है, और अगर द्वीप क्षेत्रों सहित भारत की तटीय सीमा को जोड़ लेंगे तो फिर लगभग 7516 किलोमीटर बन जाती है, और ये 7516 किलोमीटर आपको चौथे ऑप्शन में दिख रही है और यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं जैसे मैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। और जो इनमें से सबसे लंबी जो तटरेखा है 1214.6 किलोमीटर गुजरात की है। चलिए 10 नंबर, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों क्या के में प्रतिरूपित होता है, का संवहन करता है, का विरोध करता है, में जुड़ा रहता है। देखो घर्षण सतहों के चिकनाई पर निर्भर करता है, घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है, इसीलिए उसमें जो है चिकनाई यानी कि ग्रीसिंग की जाती है, ठीक है। अगर वो ग्रीसिंग नहीं करेगी तो क्या होगा, वो विरोध करेगा तो एक दिन घर्षण के समय में ऐसी कंडीशन आएगी कि वो रुक जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब महासागर में गिरती है, ताप्ती, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। देखो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो ये दो तीनों की तीनों नदियाँ कहाँ हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बची कौन सी, ताप्ती नदी, ये पश्चिम भारत की मुख्य नदी है और ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की जो मुतलाई वहाँ सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई चली जाती है और लास्ट में जाकर ये ताप्ती नदी अरब सागर में गिर जाती है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और लगभग 724 किलोमीटर तक का रास्ता तय करती है, क्योंकि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना ही है, तो इसलिए जहाँ यमुना गिरेगी वहाँ, मतलब जहाँ गंगा गिरेगी वहीं यमुना भी गिरेगी। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पाद क्षमताओं को विकसित करके समावेशी प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, कौन सी प्राप्त की गई थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमयोग जयते योजना, मिथन इंद्रधनुष, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ये योजना थी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। जिन लोगों ने भी योजना का वीडियो नहीं देखा भाई जरूर देख लेना, क्योंकि योजना उसी वीडियो के बाहर एक भी योजना आपकी नहीं जाएगी। खैर पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा का संबंध किस राज्य से है, मेघालय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुरी। तो धनगरी जो गजा है ये कहाँ का है, धनगरी गजा आपका जो मिल जाएगा ये महाराष्ट्र में, क्योंकि वहीं लावड़ी में मिलता है, नकटा तमाशा भी मिलेगा और पोगड़ा गौरोची भी मिलेगा, ठीक है, गौरीचा जिसको बोलते हैं। मणिपुर में रखाला मिलता है, नटरास मिलता है, महाराज मिलता है, ठीक। और मेघालय की बात करेंगे तो लाहौर बहुत ज़्यादा फेमस है, बांग्ला इसलिए फेमस है क्योंकि बांग्ला के नाम से हम लोग बांग्लादेश की तरफ भागने लगते हैं या बंगाल की तरफ, ठीक है। चलो गुजरात का आपको पता है डांडिया है, पढ़हारा है, लासे है, ठीक है, डांडिया भी होता है, गरबा भी होता है, पढ़हारा भी कह सकते हैं और लास्या भी कहते हैं,
चलो 14 नंबर, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है 28 दिसंबर 1885 को जो ए ओ हुम थे इन्होंने जो है सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना की थी। ये अगर जगह की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग इसके जगह की बात करेंगे तो ये था बम्बई का ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास, जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज विद्यालय था, कॉलेज वहाँ पे था, तो बॉम्बे हो जाएगा, उस समय बॉम्बे था। ठीक, चलिए 15 नंबर, जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन ग्लूकोज का अपघटन यानी कि ब्रेक डाउन होता है तो इस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है। चलो देखते हैं, वायवीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन या अवायवीय, तो अवायवीय श्वसन हो जाता है जब बिना ऑक्सीजन के, ठीक है, जब ऑक्सीजन के बिना उपयोग के बिना भोजन ग्लूकोज का अपघटन करने लगता है। चलिए भाई 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। महाराजा महादेव गोविंद्र नाडे, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन या दयानंद सरस्वती। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, सरल क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। किस फुटबॉल खिलाड़ी को किसी भी खिलाड़ी द्वारा फीफा विश्व कप की सर्वाधिक जीतें हासिल करने का गौरव प्राप्त है। देखो तो फीफा की बात कर रहा है, टोटल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये थे पेले, कहाँ के थे खिलाड़ी, ये ब्राज़ील के थे, ठीक है। चलिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। पहले भारतीय की बात करेंगे तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, चंद्रशेखर वेंकटरमन, पांडुरंग वामन केन और पुरुषोत्तम दास टंडन, तो चंद्रशेखर वेंकटरमन को मिला था, ठीक है। कब मिला था इनको, 2 जनवरी 1954 को इनको भारत रत्न मिला था, ठीक है। बाद में जो था, पहले देखो जो भारत के पहले राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, उन्होंने 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न को संस्थापित किया था और पहली बार, सबसे पहली बार तीन लोगों को दिया गया था, चंद्रशेखर वेंकटरमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, इन तीनों लोगों को एक साथ दिया था। चलिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। विधान परिषद जी कोई दिक्कत नहीं है, विधान परिषद तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल, तो आपको विधान परिषद उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे ये द्विसदनीय विधानसभा चलती है, ठीक है। चलिए 6 राज्यों में जो विधानसभा परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक। चलिए 20 नंबर देखिए क्या है, वैश्विक व्यापार आउटलुक एवं सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल सेवाओं के निर्यात के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है। कौन से सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल सेवाओं के निर्यात के मामले में दुनिया में, अच्छा तो अब ये चौथे नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। कितने नंबर पे हो जाएगा, चौथे नंबर पे जो है मिल जाएगा, ये WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये जो है, ये इसने की थी जो क्या बोलते हैं रिपोर्ट जो दी थी। 21 नंबर लिखा हुआ है, कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से तक चलती है, अपनी पहली बैठक से नियत तिथि तक चलती है, तो 14 वर्ष, 11 वर्ष और 5 वर्ष, लास्ट में 9 वर्ष। तो आपको पता है कोई भी पंचायत की पहली बैठक कब होती है, जैसे ही प्रधान बनाया जाता है, पंचायत का सदस्य चुना जाता है, पंचायत का हेड चुना जाता है, उसके बाद उसकी एक मीटिंग होती है और वो मीटिंग पहले दिन ही कही जा सकती है, तो उसके 5 साल तक जो है आपकी सरकार चल सकती है। चलो 22 नंबर देखेंगे, एक स्थिर स्टैंड पर धागे की सुई सहायता से लटके हुए छोटी गेंद या धातु के साधारण पेंडुलम को कहा जाता है, बॉब, नॉब, हिंज या हेड, क्या कहा जाता है इसको। तो दोस्तों इसको बॉब कहते हैं, जैसे एक मान लीजिए ये स्टैंड लगा हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए स्टैंड लगा हुआ था और स्टैंड में क्या हुआ है, धागे की सहायता से लटके हुए छोटी गेंद, तो ये धागा था आपका, ठीक, और उसमें नीचे ये छोटी गेंद लटकी हुई है, ये छोटी गेंद लटकी हुई है, इसी को जो साधारण से पेंडुलम होगा, क्योंकि अब ये जो है इधर भी गति करेगा और ये इधर भी गति करेगा, तो पेंडुलम को इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको बॉब कहा जाएगा। चलिए भाई 22 नंबर, विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था। ये अप्रैल 2024 की बात कर रहे हैं और ये नीदरलैंड के स्टॉकहोम में, नीदरलैंड में तो स्टार डैम पड़ेगा, स्टार डैम में ये जो है 26वां संस्करण आयोजित हुआ था। अभी 2-3 दिन भाई पटाखे दग सकते हैं, तो हो सकता है मेरे वीडियो में आपको ये पटाखों की आवाज़ वगैरह सारी चीज़ें सुनाई दे सकती हैं, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना। चलिए 24 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अप्रैल 2024 में भारत ने किस देश को डोर्नियर
28 विमान सौंपे हैं। ये किसको सौंपे गए हैं? डॉर्नियर 28 विमान। तो ये अप्रैल 2024 की बात है, 228 है डॉर्नियर। गुआना, मालदीव, फिलीपींस या क्यूबा, तो ये गुआना को सौंपे गए हैं। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध मुस्लिम संस्कृति से है और यह कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व भी करता है? भरतनाट्यम, कथक, कथकली और कुचिपुड़ी। तो दोस्तों कथक ही एक ऐसा जो है भारत का ऐसा शास्त्रीय नृत्य जो इस्लामिक संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही नृत्य कला हिंदू मुस्लिम की मिश्रित कला को जो है नृत्य कौशल को प्रस्तुत करेगा। बाकी क्योंकि कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का जो है लोक नृत्य है और जिसमें तीन प्रमुख घराने हैं, जयपुर घराना, बनारस घराना और जो लखनऊ घराना होता है। नवाब बाजद अली शाह के समय में अपने चरम पर पहुँचा। फिर मुगल काल के जो कथक नृत्य विधा के तराना, ठुमकी और गज़ल, इसका भी समावेश किया गया। तो फिर ये सब चीज़ें जो हैं दोनों चीज़ों से मिक्सअप बन जाती हैं। तो दोस्तों देखो, जो हमारा आज का पीडीएफ था, जो आज का पीडीएफ था, टोटल 25 क्वेश्चन थे। कोशिश की गई है कि आपको थोड़ा सा इसमें जो है चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से मैच हो पाएँ। बाकी देखिए, जो पूरे 25 क्वेश्चन थे, करंट के भी क्वेश्चन थे, अप्रैल के क्वेश्चन थे, तो आज आपको कराए गए हैं। चलिए दोस्तों, और इसी तरीके से आप लोग जो है जुड़े रहिए और आपको जब तक पेपर नहीं हो जाता ऐसे डेली प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।